नमस्कार दोस्तों, पेश है प्रोग्राम आज दियां सुर्खियां। केड़ियां खबरां अज दे अखबार दी सुर्खियां बणियां ने, पेश है। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दी दसवीं दे नतीजियां विचों रूपनगर जिला चमकिया। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दे दसवीं जमात दे नतीजियां विच रूपनगर जिले विच बीते वरे तों काफ़ी सुधार होया है। जिले की पास प्रतिशत 37.98% जिहड़े बच्चे ने पास होए हन। नतीजियां विच आज सुधार कारण अध्यापक वर्ग ते चेहरियां दे विच खुशी देखने को मिली है, जदों के स्कूलों में अध्यापकों की घाट काफ़ी नज़र आ रही है। एक अगली खबर रैल मजरा तो, जिथे अमछा ते वाहन की टक्कर के नाल एक नौजवान की मौत हो गई है। रोपड़ बराजा रोड के श्री आस पेपर मिल पिंड बणा नेड़े बीती रात एक मिल के नेड़े अणपछाते वाहन की फेट वजन कारण एक नौजवान मौत होने का समाचार प्राप्त होया है। आसरों की पुलिस वालों अणपछाते वाहन की भाल शुरू कर दी गई। अगली खबर है श्री आनंदपुर साहब की, जिथे मनीष तिवाड़ी के हक में चोन प्रचार किया गया। श्री आनंदपुर साहब लोग सभा हल्के के कांग्रेसी उम्मीदवार मनीष तिवाड़ी के हक में सबका मैंबर ब्लाक समिति चौधरी भगत राम वालों घरों घर जाके चोन प्रचार किया गया, वोटा मंगिया गई। अगे खबर है नवांशहर तो, जिथे वोटर पहचान के सबूत वजो APM तो इलावा 11 होर दस्तावेजों प्रवानगी दी गई है। लोग सभा चोणों के मतदान दौरान वोट के अधिकार की वरतों सही तरीके करने लिए वोटर पहचान के सबूत वजो 11 होर दस्तावेजों शनाख्त वजो वरतन की प्रवानगी दी गई है। जिन्हां विच वोटरां कोल वोटर पहचान पत्र नहीं है, वह पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड पैन कार्ड डाकखाने द्वारा जारी की पासबुक ते इस तों इलावा होर कई दस्तावेज जिहड़े है मंत्रालय वालों स्कीम जारी जां सेहत बीमा स्मार्ट कार्ड फोटो आदि दिखा के वोट पा सकते हैं। तो इस तो अगली खबर है श्री चमकौर साहब की, जिथे कैबिनेट मंत्री चरण सिंह चन्नी की अगवाई हेठ नेड़े पिंड भूलड़े विखे लोग सभा हलका श्री आनंदपुर साहब तो कांग्रेसी उम्मीदवार मनीष तिवाड़ी के हक में कार भरवीं चोण मीटिंग में संबोधन करद श्री तिवाड़ी ने कहा कि NDA की सरकार ने नोटबंदी करके देश की आर्थिकता बुरी तरह कमजोर कर दिता है और GST वर्गे टैक्स ने भी व्यापार को तबाह करके रख दिता है। ये सन अज दियां सुर्खियां। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।